टू शालू शिव फ्लेम रेसिपीज। मैं हूँ शालू और आज मैं बनाने जा रही हूँ फेस्टिवल सीजन स्पेशल आलू पेटीज, जिसे फलारी पेटीज भी कहा जाता है। तो आइए बनाते हैं आलू पेटीज। तो फलारी पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बना के रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश नारियल लिया है, जिसे कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे नारियल को। नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लिया और यहाँ मैंने थोड़ा सा नींबू लिया है, नींबू के रस को ऐड करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा रोस्टेड मूंगफली का दाना है जिसके छिलके को हटा लिया है, रोस्टेड काजू छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, एक छोटी चम्मच चीनी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च है। इन सारे चीज़ों को नारियल में ऐड कर लेंगे। आप अगर सेंधा नमक खाते हो बट में तो उसे भी डाल सकते हैं। नमक को हमारे यहाँ नमक नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं नमक का यूज नहीं कर रही हूँ। नींबू ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश धनिया का पत्ता और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिंग बनके रेडी हो चुकी है तो इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने बॉईल किया हुआ आलू लिया है, आलू को अच्छे से बॉईल करके इसे ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था और इसे अच्छे से मसल के चिकना डो टाइप सा रेडी करके और फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि आलू थोड़ा सा हार्ड हो जाए, सेट हो जाए। तो आलू अच्छे से सेट हो चुका है, आधे घंटे के लिए अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना तो ये गीला नहीं रहेगा, अच्छे से डो टाइप सा ये सेट हो जाएगा, तो जिससे स्टफिंग करने में प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, इसलिए फ्रिज में रखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है आलू को। तो आलू अच्छे से सेट हो चुका है तो इस आलू में 1 टेबल स्पून अलरोट डालेंगे, जो कि फेस्टिवल में खाया जाता है, व्रत में अलरोट का यूज किया जाता है। तो 1 चम्मच अलरोट मैं डाल रही हूँ इसमें। अलरोट को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। तो इसे हाथों से अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं और अच्छे से हैंडल हो सके आलू। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का डोगा हमारा रेडी हो चुका है, तो चलते हैं पेटीज बनाने के लिए। पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं गीली हूँ, ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, हाथों को चिकना कर लेंगे ताकि आलू हाथों में चिपके नहीं, अच्छे से उंगली और हथेलियों को चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा आलू का डो लेंगे और इसे राउंड शेप में, बॉल के शेप में बना लेंगे। और जैसे कचौड़ी वगैरह के लिए बनाते हैं ना, स्टफिंग करते हैं, वैसे ही स्टफिंग करके रेडी करेंगे। बॉल के शेप में, पेड़ी के शेप में बना लिए हैं, इसे ऐसे कटोरी के शेप में कर लेंगे और इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा जैसे एडजस्ट हो सके आपसे फिलिंग, वैसे फिलिंग को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसे सील कर लेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे, क्योंकि आलू है ना तो क्रेक भी हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से आप इसे दबा के इसे सील कर लें। और अच्छे से सील करने के बाद इसे राउंड शेप में दे देंगे, बॉल के शेप में। बॉल के शेप में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम से चिकना बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे अलरोट जो डाले थे ना आलू में, उससे इसकी डस्टिंग कर लेंगे। ऊपर की लेयर थोड़ी सख्त और क्रिस्पी बनेगी अलरोट से डस्टिंग करने से। तो ऐसे ही करके सारे बॉल को बना के रेडी करेंगे। हमने दूसरा भी बॉल बना के रेडी कर लिया है। गैस पे हमने ऑयल रखा है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मीडियम गर्म ऑयल रखे हैं और मीडियम फ्लेम रखे है गैस का। मीडियम फ्लेम पे इन बॉल को फ्राई करके निकालेंगे, तो एक एक करके सारे बॉल को डाल लेंगे। कढ़ाई में 4 बॉल को डाला है, तो जब ये बॉल एक साइड से सीख जाएंगे, थोड़े से क्रिस्पी और ब्राउन हो जाएंगे, तो इन्हें पलट लेंगे। थोड़े से सीखे हुए दिख रहे हैं, थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें पलट लेंगे। पेटीज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इन्हें निकाल लेंगे, तो इन्हें सावधानी से निकाल लेंगे ताकि ये क्रैक ना हो। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है और कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। ऐसे ही करके सारे आलू पेटीज को बना के रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ से 4 ही बॉल बना के रेडी किया है, बाकी के भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और कितने अच्छे से बने हुए हैं, ये बिल्कुल क्रैक नहीं हुए हैं। सारे पेटीज को हमने फ्राई करके निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले फूले और कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप आला रोट का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फलार का जो आटा आता है ना, फलार के लिए मतलब व्रत में खाने के लिए जो भी आटा आप यूज करते हो, उस आटे से भी इसकी डस्टिंग कर सकते हैं आला रोट की जगह। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है ये पेटीज। मैं इसे तोड़ के अंदर का इसका टेक्स्चर आपको दिखा रही हूँ।
देख सकते हैं कितने अच्छे से फिलिंग एडजस्ट हुई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे दही के साथ सर्व करें या फिर जो चटनी अगर आप खाते हो फलहार में व्रत में उस चटनी के साथ इसे खाएं। नहीं तो टोमेटो केचप तो है ही, अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं ऐसे ही बना रहे हैं खाने के लिए तो टोमेटो केचप के साथ खाएं इसे। ये टोमेटो केचप के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि इसे व्रत में ही खाया जा सकता, आप इसे इवनिंग में स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो इस दुर्गा पूजा आप इसे व्रत में एक बार जरूर ट्राई करें अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मीठा खा खा के बहुत दिनों तक हम लोग बोर हो जाते हैं व्रत में, तो ये चटपटा सा पेटिस बहुत ही अच्छा लगता है। आई विश यू हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। द करेंट सिचुएशन इज इंस्टेंट वेरी डिफिकल्ट, सो मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड फॉलो ऑल प्रोटोकॉल्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। थैंक यू।